अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जुहेब हसन कलर्स वर्ल्ड टीवी की जानिब से। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप किस तरह से अपने घर में रखे हुए पुराने से सीआरटी मॉनिटर, यानी कि आप जिस पे आप कंप्यूटर चलाया करते थे उस मॉनिटर को, या आपके पास पड़ी हुई कंप्यूटर की कोई सी भी एलसीडी है उसको आप किस तरह से HDMI टू VGA कन्वर्टर से कनेक्ट करके अपना सेटअप बॉक्स उसमें चलाकर कैसे लुत्फ़ानंदोज हो सकते हैं। तो ये तो रहा सेटअप बॉक्स, और जिसमें भी HDMI पोर्ट है वो चीज़ आप आसानी के साथ कनेक्ट करके आप उसका रिजल्ट एंजॉय कर सकते हैं। ये HDMI पोर्ट आपको बाज़ार से, कंप्यूटर की दुकान से या मोबाइल शॉप से बआसानी मिल जाएगा, और बहुत ही आसान कीमत के अंदर, यानी कि 250 से लेकर 300 के अंदर अंदर ये आपको कनेक्टर मिल जाएगा। आप कनेक्टर हासिल करके आप इसको कनेक्ट करके अपना सेटअप बॉक्स बहुत ही आला रिजल्ट में इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको कनेक्ट करने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ेकार है, बहुत सारे दोस्तों के ये सवालात हैं कि सर ये हम कनेक्ट करते हैं, हमारे पास उसकी वीडियो नहीं आती। तो इसके वीडियो ना आने के पीछे क्या राज है, वो भी आपको हम सारा इस वीडियो में बताएंगे। किस तरह से कनेक्ट करना है, किस तरह की उसकी जो है वो वीडियो रेजोल्यूशन रखनी है, तो आपका वीडियो आएगी। चलते हैं अब सेटअप की तरफ और आपको पूरा डिटेल से समझाते हैं कि किस तरह से इसको कनेक्ट करके अपना हम जो है वो सेटअप बॉक्स कैसे किया जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये HP का एक पुराना सा जो है मॉनिटर है वो आपके सामने चल रहा है और एकदम लश रिजल्ट में चल रहा है। ये रहा सेटअप बॉक्स, और ये मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, और इसका तरीक़ेकार कनेक्ट करने का भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखें किस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। ये रहा HDMI, और HDMI में ये रहा इसका VGA पोर्ट, उसके बाद जो है ना ये मॉनिटर में चल रहा है। तो इसका तरीक़ेकार क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, ये तो आपने कनेक्ट इसमें कर लिया, ये पोर्ट भी लगा लिया, और आपने रिसीवर में VGA भी लगा दिया, पीछे से ये भी लगा दिया, मगर आपके मॉनिटर में जो है ना वो पिक्चर नहीं आती, तस्वीर नहीं आती। तो उसके लिए खास वजह क्या होती है वो आप देख लें। आप मेन्यू में चले जाएँ, मेन्यू में आप हर एक रिसीवर का मेन्यू जो है वो अलग अलग होता है, तो आप मेन्यू में चले जाएँ, तो उसके बाद जो है ना आप उसमें ये वाला ऑप्शन सर्च करें, AV कंट्रोल। ये AV कंट्रोल, ये वाला ऑप्शन आप उसमें सर्च करेंगे, ये वाला ऑप्शन AV कंट्रोल, और इसमें जो है ना किसी किसी रिसीवर में ऑप्शन चेंज भी होते हैं। AV कंट्रोल में आने के बाद ये आप सेटिंग याद कर लें, ये वाली आपको सेटिंग रखनी है कि डिस्प्ले जो आपका मोड है, डिस्प्ले मोड वो आपका 5576p पे होना चाहिए, और ये आपकी एक्सेप्ट रेशो जो है वो आपकी ऑटो पे होनी चाहिए, और जो है ये आपकी वीडियो आउटपुट वो CVBS पे होनी चाहिए। ये मुख्तलिफ रिसीवर के अपनी अपनी भी होती है, मगर इसमें जो आपकी तस्वीर बिल्कुल जो मेन ये है रीज़न वो है वो ऑप्शन, आपको ये सारे के सारे छोड़ के, और आपको जो है ना ऑप्शन आके ये वाला आपको ऑप्शन इसमें रखना है, तो आपकी बिल्कुल तस्वीर आ जाएगी। तो इसको कैसे करना है वो आप पहले ऐसा करें, एक अलग से टीवी लाएं और उस टीवी में कनेक्ट करके उसके बाद जो है मॉनिटर का इसमें लगा दें आप HDMI, उसके बाद जो है टीवी में इसके ऑप्शन देख के जैसे ही कनेक्ट होता है तो आप उसको छोड़ दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ वो भी मैं आपको करके दिखाऊँ मज़ीद। हाँ जी, तो फ्रेंड्स तो ये आ गया आपका HDMI टू VGA कन्वर्टर, ये इसका HDMI है, और ये है इसका VGA कनेक्टर, और ये अभी टीवी चल रहा है, इस पर एक हमारा सेटअप बॉक्स चल रहा है, ये HD सेटअप बॉक्स है, ये चल रहा है, ये टीवी में चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको इस LCD में कनेक्ट करके दिखाऊंगा, ये जो कंप्यूटर की LCD होती है मैं आपको इसमें ये कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि आप अपना सेटअप बॉक्स जो है वो बिल्कुल कम खर्चे में इस चीज़ के साथ किस तरह से कनेक्ट करके ये आप चला सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहें। हाँ तो दोस्तों ये देखें, ये इसका
LCD का है VGA। LCD का VGA ये आपको इसमें इस तरह से जोड़ना है, इसको इसमें ऐसे कनेक्ट करना है, इस तरह से आप इसको कनेक्ट करके, और ये जो आपका HDMI है वो आप अपने सेटअप बॉक्स के पीछे देखेंगे कुछ इस तरह से मिलेगा ये, तो आप इसमें कनेक्ट करें इसको। देखें मैं किस तरह से लगाता हूँ इसको, ये HDMI है, ये इसमें हम लगाएंगे, और लगाने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि हमारी, आप देखें इसमें LCD अभी इसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इसने अभी ये उठा लिया, तो अभी इसका जो रिजल्ट परफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज करनी है। ये देखें मैंने आपको जैसे सेटिंग के लिए बताया था कि आप सेटिंग में चले जाएं, टीवी सिस्टम में चले जाएं, और यहाँ पे इसको चेंज करते हुए जाएं, जहाँ पे आपको परफेक्ट रिजल्ट मिले वहाँ पे आप इसको छोड़ दें। तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है, तो मैं अभी इसको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त रिजल्ट आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं अपना सेटअप बॉक्स एंजॉय करें LCD में और मॉनिटर में बिल्कुल ही कम खर्चे में। तो उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसके अलावा जो आपको बात समझ नहीं आई, जो आपके दिल में कोई सवाल है इसके कनेक्शन के बारे में या रेजुलेशन के बारे में, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में वो अपना सवाल कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा।